हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र में सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने आहारनाल की पूर्ण संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम देखेंगे सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में, यानी वे ग्रंथियाँ जो कि भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक पाचक ग्रंथियाँ कहा जाता है या असेंसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। देखिए, मनुष्य के अंदर जो सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य में तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सहायक पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य के अंदर कितनी प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तीन सहायक पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली सहायक पाचन ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहा जाता है, सल्वरी ग्लैंड्स कहा जाता है, तो लार ग्रंथि हो गई। दूसरी सहायक पाचन ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, यकृत के नाम से जाना जाता है। और तीसरी सहायक पाचन ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहेंगे, अग्नाशय कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती है वो मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे किसकी, लार ग्रंथि के बारे में, या जिसे हम क्या कहेंगे, सल्वरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो लार ग्रंथि या सल्वरी ग्लैंड्स, देखिए ध्यान दें, लार ग्रंथि होती है वह कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो लार ग्रंथि होती है वह मुँह में उपस्थित होती है, मुख गुहा में उपस्थित होती हैं। तो लार ग्रंथि होगी यह मुख गुहा में उपस्थित होती हैं। तो लार ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती हैं? लार ग्रंथि मुख में उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, लार ग्रंथि होगी वह कहाँ पर उपस्थित होती हैं? मुख में उपस्थित होती हैं। तो ये मुख में उपस्थित होती हैं। और आप ध्यान दीजिए, लार ग्रंथि के द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है, लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रावण होता है, द्वारा लार का स्त्रावण होता है, यानी किसका स्त्रावण किया जाएगा, लार का स्त्रावण किया जाता है। और लार होती है उसके अंदर क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिए, लार के अंदर जल होता है, अब होता है, साथ में आप ध्यान देंगे लार के अंदर श्लेष्मा होता है। और क्या उपस्थित होता है? तो आप ध्यान देंगे श्लेष्मा के अतिरिक्त इसमें जल होता है और एंजाइम उपस्थित होते हैं। और कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? अल्फा अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम उपस्थित होगा? अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है। और इसके अतिरिक्त क्या उपस्थित होता है? तो आपको देखना है, अल्फा अमाइलेज के अतिरिक्त जो एंजाइम उपस्थित होता है उस एंजाइम को कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये जल उपस्थित होता है, श्लेष्मा एंजाइम, और उसमें अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है। और इसके अतिरिक्त आपको देखना है कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। और इसके अतिरिक्त कुछ लवण होते हैं वे इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये मिलकर के किसका निर्माण होता है? लार का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, लार होती है वह क्या क्या कार्य करती हैं? तो लार के तीन प्रमुख कार्य ध्यान रखना है, लार के कार्य क्या क्या होते हैं उस बारे में ध्यान दीजिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना। भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का पाचन होता है वो कौन करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना एक कार्य होता है। दूसरा, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार होती है उसका कार्य क्या होता है? तो भोजन होगा उसको चिकना बनाते हैं एवं घुलनशील बनाते हैं। भोजन को चिकना एवं घुलनशील बनाते हैं। भोजन को श्लेष्मा होगा वह कैसा बनेगा? लचलचा बोलस के रूप में परिवर्तित करेगा। तो भोजन को चिकना बनाते हैं एवं घुलनशील बनाते हैं। भोजन को चिकना एवं कैसा बनाते हैं? घुलनशील बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा कार्य वह किसका कार्य होता है? लार का होता है। तीसरा कार्य लार होती है वह मुँह या मुख गुहा हो गई, दांत हो गए एवं जीवा हो गई। मुख गुहा, दांत एवं जीवा, मुख गुहा, दांत एवं जीवा की सफाई करती हैं। मुख गुहा, दांत एवं जीवा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु को नष्ट करने का कार्य एवं सफाई करने का कार्य करते हैं। तो मुख गुहा, दांत एवं जीवा की सफाई करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है लार के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अपने बुक्स के अनुसार आपको तीन कार्य ध्यान रखना है। पहला कार्य
भोजन उपस्थित स्टार्च का पाचन करना। कौन सा एंजाइम करेगा? अल्फा अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जिसे हम कहते हैं। अल्फा अमाइलेज को ही हम क्या नाम देते हैं? टाइलिन एंजाइम नाम दिया जाता है। दूसरा कार्य भोजन को चिकना एवं घुलनशील बनाते हैं। तीसरा कार्य मुख, गुहा, दांत एवं जीवा की सफाई करती हैं। अब ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में कितने प्रकार की? तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य की मुखगुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती हैं ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान रखना, ये मनुष्य की जो मुखगुहा है, अब देखो मुखगुहा के अंदर क्या उपस्थित होती है? एक जीवा और दांत उपस्थित होते हैं। तो ये जीवा उपस्थित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये भाग है, वो कौन सा भाग है? कर्ण भाग होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में जो मुखगुहा होती है, उस मुखगुहा में देखेंगे तो जहाँ पर जो मुखगुहा होती है उसमें कर्ण पल्लव होता है, उसके नीचे की ओर एक ग्रंथि उपस्थित होती है, और कर्ण पल्लव के जस्ट नीचे की ओर जो ग्रंथि उपस्थित होती है, इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? तो आपको देखना है, कर्ण पल्लव के नीचे की ओर ग्रंथि उपस्थित होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ तो नलिका के माध्यम से खुलेगी, और कर्ण पल्लव होता है उसके नीचे ग्रंथि उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि कहा जाता है। तो इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? कर्ण पूर्व ग्रंथि, या इसे हम पैराटिड ग्रंथि कहा जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। तो एक ग्रंथि पहली कौन सी हो जाएगी? कर्ण पूर्व ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि होती है जो कि दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, अधोजंब ग्रंथि कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? अधोजंब या अधोजंब ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, सब मैक्सिला ग्लैंड कहा जाता है। अधोजंब को हम क्या कहेंगे? सब मैक्सिला, मैक्सिला अस्थि होती है उसके पास में उपस्थित, तो सब मैक्सिला ग्लैंड कहेंगे। ये सेकंड प्रकार की होती है। थर्ड प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो कि किसके नीचे उपस्थित होती हैं? जीवा के नीचे उपस्थित होती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, उसे हम कहेंगे अधोजीवा। जीवा के नीचे है तो उसे हम क्या कहेंगे? अधोजीवा ग्लैंड कहा जाता है। अधोजीवा ग्रंथि, या जिसे हम क्या कहेंगे? सब लिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, ये उपस्थित होती हैं। तो मनुष्य के अंदर तीन प्रकार की लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पहली ध्यान देंगे, कर्ण पूर्व ग्रंथि, यह ग्रंथि कर्ण पल्लव के नीचे उपस्थित होती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मा एवं आपको ध्यान रखना सीरम का स्त्रावण किया जाता है। श्लेष्मा एवं किसका स्त्रावण किया जाएगा? सीरम या एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से श्लेष्मा एवं एंजाइम होगा, यानी सिरमी श्लेष्मा होता है उसका स्त्रावण इसके द्वारा किया जाता है। तो सिरमी श्लेष्मा होगा, यानी श्लेष्मा और एंजाइम होते हैं उनका स्त्रावण लार में उपस्थित होता है, लार के द्वारा किया जाता है। दूसरी ग्रंथि अधोजंब ग्रंथि, यह ग्रंथि दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर उपस्थित होती है। तो दोनों जबड़े जहां पर मिलते हैं उस स्थान पर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होगी? अधोजंब ग्रंथि उपस्थित होती है। जीभ के नीचे अधोजीवा, और यह ग्रंथि होती है उसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? श्लेष्मा का, यानी लार का स्त्रावण किया जाता है। सबसे अधिक श्लेष्मा एवं तरल होता है वो स्त्रावित होता है, वो किस ग्रंथि के द्वारा होता है? इसी जो अधोजंब ग्रंथि होती है उसके द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक इसके द्वारा किया जाएगा एंजाइम, सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? कर्ण पूर्व ग्रंथि के द्वारा या पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा। और तीसरा हमें ध्यान रखना है कौन सी? अधोजीवा ग्रंथि, यह जीवा के नीचे उपस्थित होती है। यह ग्रंथि जीवा के नीचे उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मिक तरल का स्त्रावण किया जाता है। तो यह किसका स्त्रावण करेगी? श्लेष्मिक तरल पदार्थ होता है उसका स्त्रावण करती है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर पहली ग्रंथि कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुख में उपस्थित होती है। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है, जिसमें जल, श्लेष्मा, एंजाइम जैसे अल्फा अमाइलेज या लाइसोजाइम इत्यादि उपस्थित होते हैं।
इसके अतिरिक्त लार होती हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो कुछ कार्बोनेट के लवण भी उपस्थित होते हैं। फिर लार के कार्य, लार भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य, भोजन को चिकना एवं घुलनशील बनाता है। तीसरा कार्य, मुख, गुहा, दांत एवं जीवा की सफाई करती है। मनुष्य में तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथि, यह ग्रंथि कर्ण पल्लव के नीचे उपस्थित होती हैं। इसके द्वारा श्लेष्मा एवं एंजाइम का स्रावण किया जाता है। फिर अधोजम ग्रंथि, इसके द्वारा श्लेष्मा एवं तरल का स्रावण किया जाता है। फिर अधोजीवा ग्रंथि, इसके द्वारा श्लेष्मिक तरल का स्रावण किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पहली ग्रंथि जो कि लार ग्रंथि है। अब उसके बाद में हम सेकंड प्रकार की ग्रंथि देखेंगे और ये आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब सेकंड ग्रंथि हम देखेंगे और सेकंड ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेकंड ग्रंथि और सेकंड ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। तो सेकंड ग्लैंड ध्यान दीजिए और वो कौन सी है, सेकंड ग्लैंड यकृत होती हैं। तो सेकंड ग्लैंड हमें यह सहायक ग्रंथि ध्यान रखनी है और वो कौन सी होगी, यकृत होती हैं, लीवर होती हैं। लीवर या यकृत, लीवर या यकृत होता है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी आपको ध्यान रखना है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी ग्रंथि होती है, एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन सी ग्रंथि होगी, यकृत होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ध्यान दीजिए, यकृत होता है, यह आपको ध्यान रखना है, तनुपट या जो डायाफ्राम होता है उस डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है, तनुपट या मध्यपट जिसे हम कहते हैं। देखो ये भाग है, यहाँ पर तनुपट उपस्थित होता है, इसके ऊपर का भाग होता है उसे वक्ष गुहा कहते हैं, नीचे का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। इस नीचे के भाग होता है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ग्रास जो अमाशय होता है वो अमाशय और अमाशय होगा वो आकर के और यहाँ खुलेगा और किस में खुलेगा, ग्रहणी भाग में खुलता है, और अमाशय होगा उसके जस्ट नीचे की ओर, यहाँ इस प्रकार से ये ग्रास नली और ग्रास नली से नीचे का भाग कौन सा हो जाएगा, अमाशय भाग होता है। तो ये अमाशय भाग हो जाएगा और अमाशय भाग होता है उस अमाशय भाग के आगे की ओर इस प्रकार से आप देखेंगे तो सी आकार की संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहा जाता है। इस ग्रहणी होती है उसके ऊपर की ओर क्या उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर की ओर तनुपट के नीचे की ओर कौन सा भाग उपस्थित होगा, यकृत उपस्थित होता है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, वह कौन सी हो जाएगी, ये संरचना है, ये पूरी क्या है, अग्नाशय है, ये हमें ध्यान रखना है। और ऊपर की ओर क्या उपस्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऊपर की ओर की संरचना है वह यकृत है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये पूरी संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, यकृत कहा जाता है, ये यकृत उपस्थित है। और यकृत होता है उसी के अंदर क्या उपस्थित होता है, तो आपको जानना है यकृत के अंदर एक थैले नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम पित्ताशय कहा जाता है। तो ये पित्ताशय होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये संरचना है वो कौन सा भाग है, यकृत होता है। और यकृत में कौन सी संरचना उपस्थित है, ये यकृत होता है उसके अंदर ही कौन सी संरचना उपस्थित होती है, पित्ताशय उपस्थित होता है। तो यकृत होगा वह आपको ध्यान रखना है किसके नीचे उपस्थित होता है, तनुपट के नीचे उपस्थित होता है, तनुपट के दाईं ओर उपस्थित होता है। यानी तनुपट के नीचे किस ओर उपस्थित होता है, दाईं ओर उपस्थित होता है। तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, यकृत कहा जाता है। और यकृत में आप देखेंगे कि यकृत होता है वह किस प्रकार की संरचना होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यकृत होगा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक बात। दूसरा आपको ध्यान रखना, यकृत होता है वो दो पालियों से बना होता है, एक पाली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बाईं पाली कहा जाता है, क्या कहेंगे, बाईं पाली।
और बाई पाली होती है किस प्रकार की होती है, छोटी होती है। तो बाई पाली होगी छोटी पाली होती है, और एक इधर की पाली है वो कौन सी पाली हो जाएगी, बाई पाली होती है। ये पाली है वो कौन सी है, दाई। तो दाई पाली होगी वो किस प्रकार की होती है, बड़ी होती है। तो ये दाई पाली होगी। तो आप ध्यान देंगे यकृत होता है उसमें आप देखेंगे यकृत दो पालियों से मिलकर बना होता है। यकृत कितनी पालियों से मिलकर बना होता है, दो पालियों से मिलकर बना होता है, पालियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी दो पालियां होती हैं, तो एक पाली होती है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइप की पाली है वो कौन सी होगी, दाई, और सेकंड कौन सी हो जाएगी, बाई। तो पहली हमें ध्यान रखनी है दाई जो कि बड़ी पाली होती है, और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, बाई पाली। तो दो पालियों से मिलकर के और यकृत का निर्माण होता है, और दाई पाली होती है उसके अंदर क्या आपस होता है, पिता से उपस्थित होता है। तो यकृत की जो दाई पाली होगी उसके अंदर पिता से उपस्थित होता है। यकृत होता है उसकी आंतरिक संरचना होती है वह अनेक कोशिकाओं से बनी होती है, यानी अनेक कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, और इन प्रत्येक कोशिका का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यकृत की जो समूह होगा उसे हम कहेंगे लोब्यूल कहा जाता है, या यकृत की लोब्यूल या पिंड कहेंगे। तो इस प्रकार से यकृत की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना किससे बनी होती है, आंतरिक संरचना कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, और इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो आपको देखिए यकृत पालिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं के विशिष्ट समूहों से निर्मित होती हैं, कोशिकाओं के विशिष्ट समूहों से निर्मित होती हैं, विशिष्ट समूहों से। और ये समूह किस प्रकार के होते हैं, तो आपको देखते हैं षटकोणीय होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, षटकोणीय समूह होते हैं, षटकोणीय समूहों से निर्मित होते हैं, जिन्हें निर्मित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको देखते हैं निर्मित होती हैं, जिन्हें हम यकृत पालिकाएँ कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, यकृत पालिकाएँ कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे यकृत पालिकाएं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लोब्यूल। तो इस प्रकार से यकृत पालिकाएं या इसे हम क्या कहते हैं, लोब्यूल कहा जाता है। तो यकृत पालिकाएं या इसे हम क्या कहेंगे, लोब्यूल कहते हैं। और ये यकृत पालिकाएं या लोब्यूल्स होते हैं, यही यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, देखो जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका होती है, वैसे यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यकृत को जो यकृत पालिकाएं होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं, या यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कहते हैं। संरचनात्मक क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ कि जिसका निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होगा षटकोणीय समूह इन यकृत पालिकाओं से होता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, और यकृत के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य किसमें होंगे, इन पालिकाओं के अंदर, लोब्यूल के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि यकृत की जो पालिकाएँ होती हैं यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। अब उसके बाद में देखिए यकृत पालिकाएं होती हैं उनके अंदर पित्त रस का संश्लेषण होता है, इन पालिकाओं में किसका संश्लेषण होगा, पित्त रस का निर्माण होता है। देखो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप ध्यान देंगे पित्त रस का निर्माण होता है वह पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत पालिकाओं में होता है। तो यकृत पालिकाओं में किसका निर्माण होगा, पित्त रस का निर्माण, और पित्त रस होगा वह यकृत वाहिनी के द्वारा, कौन सी वाहिनी के द्वारा, यकृत वाहिनी, बाई यकृत वाहिनी और दाई यकृत वाहिनी होगी, और इन यकृत वाहिनियों के द्वारा आता है, और यकृत वाहिनी के द्वारा आकर और दोनों यकृत वाहिनी मिलकर के और सामान्य यकृत वाहिनी या सह यकृत वाहिनी बनाएंगे, और ये यकृत वाहिनी आगे जाकर किसमें, पित्त रस को पहुंचाएगी, तो पित्ताशय में पित्त रस पहुंचाती है। तो यहां से यह यकृत वाहिनियां होती हैं वह पिताशय में जाकर के खुलती हैं, और पिताशय से क्या निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है पिताशय में जो पित्त रस का संग्रह होगा वह पित्त रस होगा वह पित्त वाहिनी से आकर आता है, किस वाहिनी से आएगा, पित्त वाहिनी से, और पित्त वाहिनी होती है वह यकृत वाहिनी के साथ मिलकर के और सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, सामान्य पित्त वाहिनी का, और सामान्य पित्त वाहिनी होती है वह आगे जाकर कौन से भाग में जाकर खुलेगी, ग्रहणी के मध्य भाग में खुलती है, ग्रहणी के मध्य भाग में जाकर के खुलती हैं। तो इस प्रकार से ग्रहणी के मध्य भाग में कौन पहुंच जाएगा, पित्त रस पहुंचता है जो कि वसा का पारेषीकरण करता है। तो ये दूसरी हमें ग्रंथि ध्यान रखनी है, कौन सी, यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत होता है यह तनुपट के नीचे वक्ष उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है।
यकृत दो पालियों से मिलकर बना होता है, दाई पाली एवं बाई पाली। दाई पाली के अंदर पित्ताशय उपस्थित होते हैं। यकृत की आंतरिक संरचना कोशिकाओं की विशिष्ट समूहों से निर्मित होती है जिन्हें यकृत पालिकाएं या लोब्यूल कहा जाता है। ये यकृत पालिका यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन यकृत पालिकाओं के अंदर पित्त रस का संश्लेषण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो कि यकृत वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। जो यकृत वाहिनी के द्वारा किसमें चला जाएगा? पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय में पित्त रस का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी द्वारा, पित्ताशय से सामान्य पित्त वाहिनी के द्वारा यह ग्रहणी के मध्य भाग में पहुंचता है, और ग्रहणी के मध्य भाग पहुंचने के बाद में ग्रहणी भाग में क्या करेगा? यह पाचन की क्रियाविधि को संपन्न करता है। तो यह हमें ध्यान रखना, दूसरे प्रकार की ग्रंथि, और वो कौन सी ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है? तो दूसरे प्रकार की ग्रंथियों की, जिसे हम यकृत कहा जाता है। अब तीसरी ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है, कौन सी? तो तीसरी ग्रंथि होगी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे प्रकार की ग्रंथि होगी जिसे हम क्या कहेंगे? अग्नाशय कहा जाता है। तो थर्ड टाइप की ग्रंथि है पैंक्रिया या अग्नाशय। देखो ध्यान दें, यह अग्नाशय होता है। यह अग्नाशय एक प्रकार की, आपको ध्यान रखना है, जो ग्रंथि है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अग्नाशय के बारे में ध्यान दीजिए कि अग्नाशय होता है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय होता है वह कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ग्रहणी के मध्य भाग में उपस्थित होता है। तो ग्रहणी के मध्य भाग में पार्श्व में उपस्थित होता है। अग्नाशय होता है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आप ध्यान देंगे मिश्रित ग्रंथि है। एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? बहिस्रावी। पर ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की ग्रंथियां जो कि अपने स्राव को वाहिनियों के द्वारा स्रावित करके रुधिर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और इस प्रकार की ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहिस्रावी ग्रंथियां। परंतु अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार से कार्य करती है, यानी किस रूप में काम करेगी? बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है, और किस रूप में काम करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। तो दोनों प्रकार का कार्य करेगी, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। इसके बहिस्रावी भाग होता है, ध्यान दीजिए, इसके कौन से भाग? बहिस्रावी भाग। और बहिस्रावी भाग होता है, इस बहिस्रावी भाग के द्वारा अधिकांश भाग का निर्माण, 98-99% भाग इससे बनता है। बहिस्रावी भाग होगा उसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाएगा? अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। अग्नाशय रस का निर्माण किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। और अग्नाशय रस होता है, ध्यान दीजिए, अग्नाशय रस होता है वह अग्नाशय वाहिनी के द्वारा, कौन सी वाहिनी के द्वारा? अग्नाशय वाहिनी के द्वारा किसमें आकर पहुंचता है? ग्रहणी में पहुंचता है। जो अग्नाशय रस होगा ये किस भाग में पहुंचेगा? तो आपको ध्यान रखना है ग्रहणी में। किसकी सहायता से? अग्नाशय वाहिनी की सहायता से। किसकी सहायता से? अग्नाशय वाहिनी की सहायता से यह पहुंचता है। वो किस भाग में पहुंचेगा? ग्रहणी भाग में पहुंचता है। और ग्रहणी में पहुंचने के बाद में, ड्यूडन में पहुंचने के बाद में, यह ग्रहणी में किसका पाचन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है एवं वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का यहाँ पर क्या करेगा? पाचन करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, कि ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा भाग कौन सा है? ये पहला भाग बहिस्रावी भाग हो गया। दूसरा भाग कौन सा होता है? अंतःस्रावी भाग। और अंतःस्रावी भाग होता है, उस अंतःस्रावी भाग के द्वारा, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो रस होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां भाग होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इसका भाग होगा, उसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन एवं ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इंसुलिन एवं किसका स्त्रावण किया जाएगा? ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, यानी इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? इंसुलिन एवं ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ये ग्लूकोगन इंसुलिन हार्मोन होते हैं, वे रक्त में शर्करा की मात्रा होती है उसका नियंत्रण करते हैं। ये हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं।
रक्त में शर्करा की मात्रा का या ग्लूकोज की मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ग्लूकोज एवं या शर्करा होगी उसकी मात्रा का नियंत्रण करते हैं वो कौन से हार्मोन करते हैं, इंसुलिन एवं ग्लूकागन हार्मोन करते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है वह अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन होगा उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है और ग्लाइकोजन होता है उसका यकृत में संग्रह कर लिया जाता है। जंतुओं में भोजन का संग्रह होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो इस प्रकार से संग्रह कर लिया जाए। और जब हमें ग्लूकोज की पुनः आवश्यकता होती है तो ग्लूकागन हार्मोन होगा वह ग्लाइकोजन को पुनः किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में, जिसके कारण से रक्त के अंदर जो शर्करा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है वह हमेशा नियंत्रित बनी रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन क्या कार्य करेगा, तो आप ध्यान देंगे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अतिरिक्त ग्लूकोज होगा उसकी मात्रा को नियंत्रित करेगा। ग्लूकागन क्या कार्य करता है, तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे जिससे हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है वह अधिक होती है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, और उसी रोग को हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इन दोनों पार्ट के द्वारा यानी बहिस्त्राव विभाग होगा उसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है जो कि अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ग्रणी में पहुंचता है। यह ग्रणी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन करता है। इसके अंतःस्रावी भाग के द्वारा इंसुलिन एवं ग्लूकागन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ये हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, रेगुलेशन करने का कार्य करते हैं। तो ये थी सहायक पाचन ग्रंथियां जो कि तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और तीन प्रकार में हमने पहला देख लिया लार ग्रंथि जिनके द्वारा लार का स्त्रावण किया जाता है, मुग्वाम्ब उपस्थित होती है, तीन प्रकार की होती है, कर्णपुरो ग्रंथि, अधो जंब ग्रंथि और अधो जीवा ग्रंथि उपस्थित होती हैं। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो स्टार्च होता है उसका पाचन किया जाता है, मुख के अंदर भोजन होता है उसको चिकना एवं घुलनशील बनाने का कार्य किया जाता है, तथा आप देखेंगे तो इनके द्वारा जो मुख गुहा होती हैं या दांत होते हैं या जीवा होती है उनका जो है सफाई करने का कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी ग्रंथि यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दो पालियों से बनी होती है, दाईं पाली एवं बाईं पाली, तथा यह तनुपट या डायफ्राम के नीचे वक्त जो उदर गुहा होती है उसमें दाईं ओर उपस्थित होती है। यकृत में दाईं पाली होती है उसके अंदर पित्ताशय उपस्थित होता है। यकृत की आंतरिक संरचना कोशिकाओं के षटकोणीय विशेष समूह से निर्मित होती है जिन्हें यकृत पालिकाएं या लोब्यूल कहा जाता है, जो कि यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इनके द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है जो कि दाई एवं बाई यकृत वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी के माध्यम से यह ग्रणी भाग में पहुंचता है जहां पर इनके द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, बहिस्त्राव अंतःस्राव दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। बहिस्त्रावी भाग के द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण और अंतःस्राव विभाग के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागन का स्त्रावण किया जाता है। तो ये था सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि के बारे में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नेक्स्ट अगली क्लास में हम पाचन की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे।